हेलो फ्रेंड्स, आज हम ले आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट का मल्टीमीटर UT61E। जैसे कि आपको आप स्क्रीन पे इसका बॉक्स आप देख सकते हैं। तो अभी हम इस मीटर के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या नया फीचर्स मिलने वाला है। मीटर के बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा इसका बुकलेट के बाद आपको एक मिलेगी इसके अंदर सीडी के बाद आपको ये केबल मिलेगी पीसी कनेक्शन के लिए। उसके बाद आपको एक मिलता है इसके लिए मल्टीमीटर की केबल, जो आप देख सकते हैं इजीली यूनिट का है, यूनिट की ही केबल है 1000 वोल्ट के साथ CAT3। उसके बाद आपको मिलेगा एक कन्वर्टर, जो कि इसका भी हम यूज़ देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ किस किस तरीके का हम इसमें फीचर्स देखेंगे और ये किस यूज़ के लिए होता है। और सबसे लास्ट में मिलता है हमें एक मल्टीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर UT61E मॉडल है, जो कि आपको मिलने वाला है 22,000 काउंट्स DMM ट्रू RMS मल्टीमीटर है। और ये आपको RS232 सीक USB केबल के साथ मिलता है। ये जो केबल है वो है आपकी RS232 सी USB केबल। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर हम इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे और इसमें क्या क्या फीचर मिलेगा ट्रू RMS मल्टीमीटर मिलने वाला है हमें। इसके अंदर आपको कई वेरिएंट मिलते हैं, UT61A और B भी मिलता है इसके अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं UT61E की। तो सबसे पहले हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें ऑटो फीचर आ रहा है, सारा ऑटो फीचर्स रहता है। बाकी यहाँ से आप हर्ट्स वगैरह के लिए इसे आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मिली वोल्टेज और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड के लिए और बजर रेंज और रेजिस्टेंस के चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप ब्लू बटन से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो भी आपको इसमें तीनों सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कैपेसिटेंस के लिए चेक करेंगे, उसके बाद हर्ट्स, बाकी यहाँ पर एम्पियर सीरीज़ में जाएगी। सीरीज सर्टिफाइड मल्टीमीटर है, 4 स्लॉट दिए हुए हैं। तो 4 स्लॉट के बाद अब हम देखते हैं इसके अंदर RS232C केबल। तो ये केबल यूज़ करने के लिए इसमें आपको क्या मिलता है कि आप इस मीटर को PC से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको क्या चाहिएगा, हमें चाहिए तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको मिलता है CD, इसके अंदर आपको यूनिट की आपको CD मिलेगी। तो इसे आपको इंस्टॉल करना है अपने PC के अंदर, और PC में इंस्टॉल करने के बाद आपको इसकी डिस्प्ले आप अपने PC पर भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। कनेक्शन के लिए मैं बताता हूँ, ये आपको केबल जो है यहाँ पर इजीली आपको कनेक्ट करनी है, और ये वाला इंटरफेस आप अपने डेस्कटॉप या पुराने मॉडल्स जैसे हम होते थे उसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको USB यूज़ करना है तो USB2 Serial DB9 कन्वर्टर आता है। USB2 DB9 कन्वर्टर मैंने इसमें सर्च किया है, अभी देख सकते हैं कि ये छोटा वेरियंट है DB9 कन्वर्टर। आप इसे डायरेक्ट कन्वर्टर टाइप में ले सकते हैं या फिर केबल टाइप में भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आपका कनेक्टर जो है ये यहाँ पर लग जाएगा और आप इजीली से USB से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप PC में जैसे ही कनेक्ट करेंगे, आप PC के अंदर जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे तो इसकी डिस्प्ले वगैरह सभी चीज़ें आप इजीली PC पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो दूसरा फीचर हमें और दिखा देते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो इसे लॉक कर दीजिए। एक और फीचर आता है इसके अंदर आपको ये कन्वर्टर का, जो कि RC लिखा हुआ है इसमें, NKP और CB, ये कैथोड बेस एमीटर। इसमें आप यहाँ पर कैपेसिटर रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर वगैरह सभी चीज़ें इसमें चेक कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से इसे यहाँ पर लगा देते हैं ब्लैक, यहाँ पर इसे जैसे कि आपका मल्टीमीटर है, आप हाई रेंज में अलग चेक करेंगे और लो रेंज में आपको अलग चेक कर सकते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पर यहाँ कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर आपको बीच की रेंज में आपको कैपेसिटर चेक करने हैं, और यहाँ पर एमीटर बेस कलेक्टर, और यहाँ पर भी आपको ट्रांजिस्टर वगैरह चेक कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रू RMS मल्टीमीटर मिलता है, और बाकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा मल्टीमीटर है और शॉक प्रूफ है, क्योंकि इसमें रबर दिया हुआ है
तो शॉक प्रूफ मल्टीमीटर। अगर आप ये मल्टीमीटर परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी लिंक्स दिए हुए हैं, टेलीग्राम पे आपका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी चीज़ों में हमारे लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हम टेलीग्राम ऐप पर सर्च में बीआर इन्फोटेक मेरठ टाइप करेंगे और रिफिक्स टूल आइकन वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। आपको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे।